हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, उड़ीसा रिवोक्स नोट फॉर ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू नॉन ट्राइबल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं। ये इशू हमने पहले कवर कर रखा है अपने प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस न्यूज़पेपर में। देखते हैं क्या है। द नवीन पटनायक गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे अनाउंस डैट इट हैज़ विड्रॉन द डिसीजन टू अमेंड द उड़ीसा शेड्यूल एरिया ट्रांसफर ऑफ इनमूवेबल प्रॉपर्टी बाय शेड्यूल ट्राइब्स रेगुलेशन 1956। तो इसमें यही था कि ट्राइबल पीपल्स अपने लैंड को नॉन मूवेबल, यही हो गया, लैंड को मूव नहीं कर सकते, नॉन ट्राइबल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें यही था, विच वुड हैव अलाउड ट्रांसफर ऑफ लैंड टू नॉन ट्राइबल्स। ठीक है, यही बात होगी। द गवर्नमेंट हैड पुट द डिसीजन ऑन होल्ड ऑन नवंबर 14 आफ्टर फेसिंग फ्लैक ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स एंड द अपोजिशन। तो यहाँ पे होल्ड पे रखा गया था क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन काफ़ी इंटेंस हो गई थी। द रेगुलेशन नॉट ओनली प्रोहिबिट्स द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड बट ऑल्सो क्रिमिनलाइजेस एनी फोर्स्ड एलिनेशन इन शेड्यूल एरियाज। तो यहाँ पे ये अगर कोर्सिव या फोर्सफुली अगर किया जाएगा या कोर्सिवली किया जाएगा तो इसको क्रिमिनल भी माना जाएगा, अटेम्प्ट क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा। ठीक है। कैबिनेट मीटिंग हेल्ड इन द मिडल ऑफ द विंटर सेशन ऑफ द स्टेट असेंबली अप्रूव द प्रपोजल ऑफ द विड्रॉइंग द डिसीजन टू अमेंड द रेगुलेशन। इन ए स्टेटमेंट इन असेंबली ऑन फ्राइडे रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर सुदाम मरंदी सेट कैबिनेट हैड नवंबर 14 टेकन अ डिसीजन टू अमेंड द रेगुलेशन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल TAC हेल्ड ऑन जुलाई 11। तो ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें पता होना चाहिए क्या है। नाउ द कैबिनेट हैड अगेन रिकमेंडेड फर्दर डिलिब्रेशन ऑफ इशू इन द ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है, टैक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। इट इज रेयर ऑन अ पार्ट ऑफ BJD led government to take back its own decision twice in 10 days. Opposition parties and tribal rights activists had declared that the proposition prohibition on transfer of tribal land to non-tribals was non-negotiable. तो मतलब यहाँ पे इसको negotiate नहीं किया जा सकता है कि भाई कुछ ऊपर नीचे कर लो, पर लैंड तो ट्रांसफर करो, ये करना ही नहीं है, लैंड ट्रांसफर होना ही नहीं है, ये तो नॉन नेगोशिएबल है। परमिशन फॉर लैंड ट्रांसफर इन शेड्यूल एरियाज विच वुड ओपन द फ्लड गेट्स टू लैंड ऑफ ट्राइबल बींग स्नैच। तो यहीं पे वही है कि ट्राइबल्स के लैंड जो है खतरे में आ जाएंगे। साफ बात, मुझको भी ये बात सही लग रही है कहीं ना कहीं। द प्रोसीडिंग ऑफ द विंटर सेशन वर ऑल्सो अफेक्टेड बाय द BJD MLAs स्पीयर हेडिंग द प्रोटेस्ट। द BJD डेलीगेशन हैड मेट गवर्नर रघुबर दास ऑन थर्सडे एक्यूजिंग द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ मैनिपुलेटिंग द TACs recommendations in order to have its way. Relaxation was amended, demanded for tribal to obtain bank loan for agriculture, construction of residential houses and higher studies for children only. But the government has approved transfer of immovable properties of tribal to other unscheduled areas, which was not unanimously agreed upon the TAC meeting, the delegation said in a note to the governor. अब चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है इसमें। सबसे पहले क्या था, आप देखिए जो इसमें क्या आया है, ट्राइबल है ये अपने लैंड को किसको दे सकते थे, नॉन ट्राइबल को। ठीक है, क्या पर्पस होना चाहिए, एक तो कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, अपना रेसिडेंशियल हाउस बनाना है इनको। तो उसको अब आप बोलेंगे ये कैसे, रेसिडेंशियल हाउस बनाने में पैसा लगता है, तो जिसके पास मानो 1 बीघा जमीन है तो वो आधा बीघा बेच दे, उससे पैसा आया, उससे आधे बीघे पे अपना घर बना ले, ये चीज होता है। ठीक है, सेकंड आप देख लिए हायर एजुकेशन के लिए, किसके, चिल्ड्रंस। ठीक है, थर्ड आप देखिए इनको कोई बिजनेस करना है और उसके लिए लोन लेना है तो बैंक्स को ये प्रॉपर्टी दें, ये चीज हो सकता है। और आप देख लिए ये चीज फोर्सफुल नहीं होना चाहिए, कोर्सिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आप देखिए शेड्यूल एरियाज में भी है। अब ये चीज तो था, पर क्या ये चीज मुझको पर्सनली सही नहीं लग रहा था कि ट्राइबल्स के लैंड्स के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। क्या है कि इनका जो एक सिंगल एसेट है इनके पास, वो इनके पास लैंड ही है, इनके पास और कुछ ऐसा है नहीं।
और इसीलिए ये चीज़ इनसे नहीं लेनी चाहिए, किसी भी कंडीशन में इनको सेफ गार्ड करके रखना चाहिए। और आप देखिए, एक ट्राइबल टैग है आपका, ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, इसके रिकमेंडेशंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो बस इस आर्टिकल में इतना ही था जानने के लिए, और वो चीज़ अभी रिवोक हो चुका है, वो गवर्नमेंट ने 10 दिन में 2 बार अपने डिसीजन को वापस ले लिया है। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।